हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें ये दिक्कत आपको जिसमें मुझे ये दिक्कत देखने को मिल रही थी कि जैसे ही मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, जैसे इसमें मैं पावर प्लग इन करता हूँ और स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर से ये स्टार्ट नहीं होता। और इसके साथ ही आपको ना ये कैप्स लॉक का जो बटन दिख रहा है यहाँ पर से नीचे, वो जैसे मैंने पावर ऑन कर दिया तो ये कैप्स लॉक का लाइट जो है ब्लिंक करता रहता है। और इसके साथ जो है ये आपको वाईफाई का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला F12 बटन, ये भी ब्लिंक कर रहा है, लेकिन मेरे इसके अंदर कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा जिसके वजह से मेरा लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी को फिक्स करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको हम फिक्स करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके लिए को क्या करना है कि पहले इसको मैं निकाल लेता हूँ, इसको चार्जर को, बैटरी डेड है, काफ़ी दिन से लैपटॉप मेरा बंद पड़ा हुआ था, इसके वजह से ये लैपटॉप डेड पड़ा हुआ है, बैटरी है नहीं इसके अंदर। तो इसको सबसे पहले खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए मैं इसको इसके अंदर पीछे जो भी है सारे जो स्क्रूज आपको ये दिख रहे हैं ये सारे मुझे हटाने पड़ेंगे इसके अंदर से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके लैपटॉप में भी ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये मॉडल नंबर आप देख सकते हैं मेरे इसके लैपटॉप में, ये 240G3 मॉडल है HP का। तो मेरे पास ये है, आपके पास कोई और भी अगर लैपटॉप है HP का तो इस तरह से आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कि आपको इसके अंदर बैटरी को रिमूव करनी है। और मैं अब क्या करूँगा, ये स्क्रू ड्राइवर, सबसे पहले मैं बैटरी को रिमूव कर लेता हूँ। और स्क्रू ड्राइवर मेरे पास एक सिंगल स्क्रू ड्राइवर है, और कुछ आपको ज़्यादा टूल्स नहीं चाहिए इसके अंदर, एक सिंगल स्क्रू ड्राइवर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो सारे स्क्रू मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर से। तो ये सारे स्क्रू खोलने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको इसको आराम से आपने ऊपर की तरफ जो नॉर्मल पोजीशन में होता है ये उसको इसे ऐसे रखना है। और ये दो कैप होते हैं यहाँ पे, इसको हटा के ये कैप मैं इसको हटा लेता हूँ, ये अपने आप ही स्क्रू खोलते ही अपने आप ही निकल जाता है ये। तो ये स्क्रू आप, ये कैप आप साइड में रख लें क्योंकि जब आप इसको फिट करेंगे तो ये काम आएगा। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको जो है मैं इसको स्क्रीन को फ्लिप अप करता हूँ। और स्क्रीन उठाने के बाद अब आपको कुछ करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर से कीबोर्ड को निकालना पड़ेगा। कीबोर्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, माइनस वाला जो स्क्रू ड्राइवर है वो लेके आपको यहाँ पर से तीन ऊपर तीन चार आपको ये ऐसा दिखेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जेंटली प्रेस करना है और कीबोर्ड ऊपर की तरफ निकले आएगा। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे हाथ से ना ऐसे निकाल ले, ज़्यादा जोर ना लगाएं इसमें क्योंकि ये कई बार लॉक इसका टूट जाता है तो फिर आपको इसमें दिक्कत आएगी नेक्स्ट टाइम में जब इसको आप प्लग इन करेंगे। तो ये कीबोर्ड मेरा निकल चुका है, अच्छा ये चिपका हुआ है अंदर से थोड़ा सा, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा मैं वायर को प्रेस करके ओके, तो अब मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल गया है। और ये एक लॉक यहाँ पे रहता है, यहाँ पे आपको लॉक को नीले वाले एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठाना है, ये हल्का सा ऐसे उठाएंगे और ये खुल गया। तो ये कीबोर्ड को मैं साइड में कर लेता हूँ। और कीबोर्ड को साइड में करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से ये बॉडी को हटानी है, ये जो सिल्वर कलर का आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर से माइनस वाले स्क्रू ड्राइवर लेके आप यहाँ पर से इसको ओपन करें, ऐसे हल्के से करें, ज़्यादा जोर ना लगाएं क्योंकि ज़्यादा निशान भी ना आए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा थोड़ा सा ऑप्शन। और भी टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, एडवांस टूल्स होते हैं इसको ओपन करने के लिए, कोई निशान ना पड़े, लेकिन ये लैपटॉप मेरे ख्याल से पहले भी खुल चुका है तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही इसको खोलने में। इसको इस तरह से आप स्लाइड करेंगे ओके। इसके पहले थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है, यहाँ पर से देख सकते हैं ये मैंने पावर का केबल नहीं निकाला है अभी यहाँ पर से, और ये टच पैड का भी केबल मैंने नहीं निकाला, इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये आपको पहले ही निकालना है। तो ये आपको पहले ही निकालना है और ये अब निकल चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर से, ये पीछे की तरफ आप देखें इसमें ये आपको टच पैनल मिल जाता है, और ये पावर केबल है जो कि ये आपको पावर ऑन करने में हेल्प करता है। अब मैं इसको साइड में कर लेता हूँ एक बार, और साइड में करने के बाद अब हमें क्या करना है कि एक एक करके ये सारे पार्ट्स को हम इसको निकालेंगे। तो ये खुल चुका है मेरा, अब यहाँ पर से आप ये USB का वायर निकाल लें मदरबोर्ड से, ये USB राइट साइड में आपको जो दो USB पोर्ट मिल जाते हैं उसके लिए एक्सटेंशन कोड आपको यहाँ पे मिलता है, और एक स्क्रू के सारे ये फिट रहे। तो इसको मैं एक बार निकाल लेता हूँ
अब इसको आप उठा लें आराम से और इसको साइड में कहीं पे भी रख दें। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर से स्पीकर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो हार्ड डिस्क को हटाने के लिए मुझे स्पीकर को पहले हटाना पड़ेगा, और ये ऐसे ही आपको यहाँ पर फिक्स किया हुआ है USB के उसमें अंदर ये दबा हुआ था। तो यहाँ पर से आपको दो स्क्रू मिलते हैं हार्ड ड्राइव के लिए, तो इसको मैं एक बार प्लस वाले उससे छोटे वाले जो भी है स्क्रू ड्राइवर आपको इससे खोल लेना है। तो मैं यहाँ पर से प्लस वाला लगा के इसको खोल लेता हूँ। ये दो स्क्रू दिए हुए हैं छोटे छोटे, और ये देखिए मैंने DVD को भी एक बार खोल लेना है यहाँ पर से, क्योंकि ये लॉक मेरा ख़राब हो चुका है। तो ये DVD बिना खोले मेरा लैपटॉप खुल गया। आप ऐसा कोशिश ना करें, नहीं तो आपका भी स्क्रू टूट सकता है। पहले DVD को निकाल लें, बाकी आसानी होगी आपको बाद में इसको ओपन करने में। तो अब मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, यहाँ पर से हार्ड ड्राइव को निकाल लूँगा सबसे पहले। और हार्ड ड्राइव को निकालने के लिए दो स्क्रू यहाँ पर जो दिए हुए हैं यहाँ पर आपको ये आराम से निकाल के, इसको छोटे छोटे स्क्रू हैं इसको संभाल के रखना पड़ेगा आपको। मैंने अपने स्क्रू ड्राइवर में अलग से मैग्नेट लगा रखा है, जिसकी वजह से ये मेरे सारे स्क्रूज एक जगह चिपक जाते हैं। बाकी जो इंटरनल कुछ स्क्रू हैं उसको मैं साइड में रखूँगा। तो यहाँ पर से मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, और ये हार्ड ड्राइव आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये पीछे आराम से खींच लें इसको, ज़्यादा ज़ोर ना लगें, और ये निकल गया है। और हार्ड ड्राइव को निकालने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब इसके अंदर कुछ आपको स्क्रूज मिल जाएंगे जो आपको ऊपर से मदरबोर्ड से हटाने हैं। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मदरबोर्ड को यहाँ पे निकालना है। इसके लिए आपको कुछ स्क्रू आपको ऊपर ही की तरफ मिल जाएंगे, तो उसको आप देख के आराम से निकाल लें। हो सकता है आपका कहीं और पर प्लेस हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से इसको, अच्छा जैसे जैसे आप निकाल रहे हैं उसको वहीं वहीं आपको लगाना है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो मैं यहाँ पर से इसको हटा लिया। अब क्या करना है आपको, ये जो वायर है CPU फैन का वो मैंने निकाल लिया। वाईफाई कार्ड आपको यहाँ पर से दिख जाता है, तो वाईफाई कार्ड भी आप यहाँ पर से निकाल लें पहले ही। तो ये कार्ड निकालते ही ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, 45 डिग्री 30 डिग्री पे ऐसा कुछ है ये प्लेस्ड होता है इसे। तो इसको निकालने के बाद आप, ये मदरबोर्ड मेरा फ्री हो चुका है लगभग। तो यहाँ पर से एक दो स्क्रू CPU फैन के लिए जो कि मदरबोर्ड से अटैच हैं, तो उसको मैं खोल लेता हूँ एक बार साइड में कर लेता हूँ। और इसके बाद ये मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये मेरा स्पीकर का वायर लगा हुआ है अभी भी इसके अंदर, और ये मैं उठाता हूँ। कुछ और लगता है, अच्छा हाँ ये है मेरे पास जो कि बैटरी के लिए है, और ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। और इसको आपको जेंटली ऊपर की तरफ उठाना है। अब मदरबोर्ड के निचले हिस्से में ज़रा सा भी वजन नहीं रह गया, इसके वजह से ये स्क्रीन की तरफ उठेगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसको आराम से रख के और इसको साइड में कर लें। तो ये है मेरा मेन यूनिट जो कि इसके अंदर प्रोसेसर मदरबोर्ड और रैम तीनों लगे हुए हैं। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं इसके अंदर से एक रैम को, ये जो मेरे 4GB की रैम लग रही है आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ये निकाल लूँगा मैं। रैम को निकालने के बाद अब आप क्या करें, एक बार मदरबोर्ड पे ये जो बायोस का जो बायोस सेल लगा हुआ है इसको आप निकाल लें। ओहो इसमें चिपक गया, तो मैं इसको एक बार निकाल के साइड में रख लेता हूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है बिल्कुल, और आराम से करें, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, अपना लैपटॉप है। और ये एरिया मुझे क्लीन करना है, तो आप क्लीन करने के लिए कुछ और भी लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं, और ISO वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं, मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसीलिए मैं इसको सिंपली ऐसे ही स्क्रू ड्राइवर से इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। हल्का सा आपको करना है, ज़्यादा इसमें प्रेस नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के कुछ कार्बन उसके ऊपर अगर लेयर बना हुआ है तो वो हट जाए। मैं दोनों, मैंने खोल रखा था इसको, मैं दोनों को कर देता हूँ एक बार धीरे 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 ऐसे करके, क्योंकि वो लेयर ऐसा नया जैसा हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, इसके अंदर कोई कार्बन का लेयर बना ना रहा है उसके ऊपर। इसके लिए मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ बस। अब ऐसे ही आपको एक बार खाली ये रैम स्टिक को भी कर लेना है। तो मेरे पास एक रैम है, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं, फोकस हो जाओ, हाँ तो फोकस हो गया ये। और यहाँ पर से आपको क्या करना है, ये रैम के ऊपर भी जो लेयर जैसे कुछ देख सकते हैं कार्बन का इसमें लेयर बना हुआ है, तो इसको हल्के से आपको ऐसा, रबर है आपके पास तो जो मिटाने वाला उससे भी ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं। और ये स्क्रू ड्राइवर से भी हल्का हल्का आपको करना है, ज़्यादा कोई दबाना नहीं है, नहीं तो आपका ये जो PCB के ऊपर जो कुछ प्रिंटेड लेआउट है ये हट जाएगा। तो इसको आराम आराम से करना है आपको, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हमें रैम अपनी ख़राब नहीं करनी। तो कोई बात नहीं, इसको आराम आराम से आप ऐसे कर लें, क्लीन कर लें, और क्लीन करने के बाद आप दोनों तरफ से इसको आराम से क्लीन कर लें। तो मैं इसको दोनों तरफ से कर लेता हूँ एक बार क्लीन,
और ये धीरे 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 ऐसा हल्का हल्का आपको रगड़ना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास रबर है तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ऐसा थोड़ा सा ये हार्ड होता है तो इसमें थोड़ा सा ख़राब होने का चांसेस होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, टेंशन फ्री। तो अब क्या करना है, इसको एक बार मैं जैसे ही कर लेता हूँ क्लीन, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ अपनी मदरबोर्ड को। और ये मेरा मदरबोर्ड किधर है, किधर है, आ जा। ओके, तो मैंने मदरबोर्ड को अपने उठा लिया है और इस पर मुझे प्लेस करना है अपना रैम को। जैसे आपने निकाला था इसको, वैसे ही यहाँ पर हल्का सा देख लें, पूरा आराम से अपना बैलेंस बना लें, इसमें कोई ज़्यादा इधर उधर ना रहे। तो आराम से ऐसा रखने के बाद आपको इसको 45 डिग्री के बाद इसको प्लेस कर देना है, ऐसे प्रेस कर देना है आपको। तो ये रैम मेरा अंदर सॉकेट फिक्स हो गया। अभी बायोस को जैसे आपने निकाला था, आराम से इसको वैसे ही लगा दें। अब हमें क्या करना है, ये मेरा काम हो चुका है इधर का इंटरनल जो भी काम था। तो एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, अब धीरे धीरे इसको फिक्स कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको रिमूव किया था वैसे ही मैं इसको दोबारा से इसको प्लेस करूँगा। और ये वायर मैं निकाल लेता हूँ, एक बार नीचे फंस रहा है कुछ। ओके, और इससे पहले आप यहाँ पर से CPU फ़ैन का जो है वो, क्योंकि वो एरिया नीचे पे लगा हुआ है, तो आप सारे वायर्स को अभी फिट कर लें जब मदरबोर्ड आपका ऊपर है। तो ये मैंने लगा दिया, ये बैटरी के लिए मैंने इसको प्लग इन कर दिया, ये बैटरी का वायर है, इसको आराम से आपको लगाना है। इसको मैं लगा देता हूँ, लग जा भाई, क्यों नाराज हो रहा है। ओके, तो ये लग चुका है इसमें। अब क्या करना है आपको, ऐसे ही जैसे आपने इसको निकाला था वैसे ही आराम आराम से इसको, अच्छा वाईफाई का कार्ड भी है यहाँ पर से, तो इसको भी मैं एक बार लगा ही लेता हूँ अभी। जैसे आपने निकाला था इसको आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मतलब आधे घंटे का काम है आपका ये, और ये सारा आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा इतने देर में ही। तो अब वायर को प्लेस कर दें आप यहाँ पर से सारे वायर्स को, जैसे जैसे आपने इसको निकाला था वैसे ही वैसे आपको इसके अंदर धीरे 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 आपको प्लेस कर देना है। ये स्पीकर का जो है मैं इसको लगा देता हूँ। इससे पहले हार्ड ड्राइव लगाने से पहले मैं बोर्ड को फिट कर लेता हूँ। ये CPU फ़ैन के लिए मैंने जो स्क्रू है, क्योंकि ये बार बार ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इसको मैं एक बार फिक्स कर लेता हूँ। और अब इसके बाद क्या करना है, ये सारे स्क्रूज जो भी हैं इसको आपको धीरे 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 लगा लेना है। ये वायर कुछ वायर का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको मैं अंदर की तरफ दबा दूंगा, क्योंकि जब आप ऊपर से इसको फिट करें तो कोई भी दिक्कत आपको ना रह जाए। तो इसके लिए आपको प्रॉपर केबल मैनेजमेंट करनी है। जैसे आपने इसको रिमूव किया था वैसे ही आपको इसको लगाना है। ये मेरा डिस्प्ले का केबल, इसको थोड़ा ये अंदर ही मेरा दबा रह गया था, इसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये आप गलती ऐसा ना करें। और आराम आराम से, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो मैं मदरबोर्ड को एक बार यहाँ पर से टाइट कर लेता हूँ, दो स्क्रू इसके ऊपर जो लगे हुए हैं उसको मैं लगा करके इसको फिट कर लेता हूँ पहले। तो ये मैंने लगा दिया पहला स्क्रू, और इसके बाद आपको एक स्क्रू और है जो कि और ये हार्ड ड्राइव है। ये हार्ड ड्राइव को मैं प्लेस करता हूँ इसके अंदर, और इसके बाद मैं एक बार लगा लेता हूँ यहाँ पर से इसके स्क्रूज, जो कि छोटे छोटे दो मैंने साइड में रखे थे। तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, इसके वजह से मैं ये हार्ड ड्राइव का पहले इसको इसके अंदर फिट कर रहा हूँ। नहीं तो आप मदरबोर्ड को भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये बार बार ऊपर की तरफ उठ जा रहा था, मुझे दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैंने इसको पहले प्लेस कर दिया, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो थोड़ा सा वजन हो जाए। और इसके बाद मैं अब यहाँ पर से फिट कर लेता हूँ ये वाईफाई लगा लेता हूँ मैं। अब वाईफाई लगाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर से आप इसकी वायर जो है किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं लगाने के लिए, कई बार वो दो वायर वाले ही आपको मिल जाते हैं, कई बार सिंगल वायर का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप इसको लगा दें, ये दोनों केस में वर्क करेगा। स्पीकर का मैं वायर यहाँ पर से प्लेस कर देता हूँ अंदर की तरफ, और ये स्पीकर को फिट कर देता हूँ इधर से, और इसके ऊपर एक स्क्रू लगेगा अभी। और ये USB का भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, तो इसको मैं करता हूँ अंदर से प्लेस, और इसको आराम से जैसे ही आपने निकाला था वैसे ही आपको इसको फिट कर लेना है। और फिट करने के बाद ये हो चुका है, अब आराम से इसको ऐसा साइड में इंटरनल प्रेस करके, और ये हो गया सेट।
अब क्या करना है, आपको यहाँ पर से इसका स्क्रू फिट करना है। मैं इसको फिट कर लेता हूँ एक बार। मदरबोर्ड का जो मेरा एक वो स्क्रू बड़ा वाला रह गया था उसको भी मैं फिट कर देता हूँ। तो ये मेरा मदरबोर्ड अपने जगह पे पूरी तरह से रेडी है। और ये यूएसबी का वायर आपको लगाना, आराम से ऊपर की तरफ उठा कर इसको अंदर लगा दें और ऊपर की तरफ से ये जो लेयर है उसको ऐसा प्रेस कर दें कि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अब हमारे पास मेन जो यूनिट है वो है ये डिस्प्ले केबल वाली। तो इसको आपको क्या करना है, ये ध्यान से क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ही पतली पतली वायर आपको देखने को मिलेगी, तो ये ज़्यादा ही ऐसे टेप से चिपका रहता है। तो इसको आपने अंदर ऐसा हल्का सा प्रेस करके आराम से एकदम हल्के से, और ये टेप को ऐसे चिपका देना है क्योंकि ये बाहर की तरफ ना निकले, क्योंकि ज़्यादा पे ये लेयर स्ट्रॉन्ग नहीं होता यहाँ का। तो ये टेप आपको ऊपर की तरफ ऐसे दिख जाएगा, उसको आपने ऐसा चिपका देना है आराम से यहाँ पे ये फिट करने के बाद। तो ये फिट हो चुका है और मैं यहाँ पर से टेप को सेट कर देता हूँ, ऊपर से इसको चिपका देता हूँ। ये कई पुराना हो गया, थोड़ा सा चिपकने में दिक्कत कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना इस बात का कि ये प्रॉपर आपका जो केबल है कोई टूटे ना और प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। तो ये सब कुछ मेरा कनेक्ट हो चुका है लगभग। ये वायर को मैं थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर के प्लेट को मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि सारे वायर्स केबल कनेक्टर सारे मैंने लगा रखे हैं इसके अंदर। अब आपको ये ऊपर का पैनल जो भी है ये आपको लगाना है, आराम से इसको लगा लें, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है इसके अंदर भी। और ऐसा सेट करने के बाद इसको आप ऐसे चारों तरफ से दबा दें बराबर। और ये वायर मैं लगा लेता हूँ पावर के लिए, क्योंकि ये पावर वाली जो वायर है ये पावर बटन काम नहीं करेगा जब मैं इसको नहीं लगाऊंगा। तो अब ये पावर बटन ये सेट हो चुका है। तो ये मेरा लैपटॉप रेडी हो चुका है सारा, मैंने सब कुछ इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक बार पावर ऑन करके अपने लैपटॉप का। तो बैटरी डेड है मेरे इस केस में, तो एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से अपने चार्जर केबल को यहाँ पे प्लग इन करूँगा। प्लग इन करने के बाद मैं पावर बटन को ऑन करूँगा यहाँ पर से, और आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो जाओ। ओके, तो ये मेरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया। एंटर प्रेस करके आप यहाँ पर से बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।